शुरू से भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बने और राम मंदिर बनाने के लिए जो भी रास्ता प्रशस्त करना होगा कानून के द्वारा वो करने का भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रयास करेगा। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने इंटरव्यू में ये कहा था, प्रतिबद्धता जताई थी कि लोगों की एक इच्छा है लेकिन कानूनी जो अभी कोर्ट केस चल रहा है तो कानूनी प्रक्रिया के बाद जो उचित कदम होंगे वो उठाएंगे। हमारे अध्यक्ष अमित शाह जी ने वारंवार ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर चाहिए और जल्दी चाहिए, लेकिन कानूनी रूप से ही चाहिए, क्योंकि बीजेपी की पहले से भूमिका रही है कि कानूनी कार्रवाई से ही ये हो। और आज का ये एप्लीकेशन, सरकार का निर्णय, ये भी एक कानूनी फैसला है और कानून की मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये केंद्र सरकार का ही अधिकार है कि बाकी बची जमीन जो है वो मालिकों को वापस करे, इसका निर्णय तो सरकार को करना है, उसके लिए परमिशन कोर्ट की मांगी है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये परमिशन मिलेगी और ये ज़मीन मुक्त हो जाएगी। ज़मीन मुक्त होने से बहुत सारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।